आदरणीय मंच और उपस्थित श्रोतागण, सबसे पहले मधेपुरा को लोगों ने अलग अलग तरीके से याद किया। मैं इसको मंडल की धरती के रूप में याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वक्तव्य का जो विषय है हिंदी साहित्य के विविध विमर्श। मेरा ऐसा मानना है जो देश है वो एक भौगोलिक इकाई है, जबकि जो राष्ट्र है वो एक सांस्कृतिक इकाई है। और किसी राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस देश के हर एक नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिले। और मधेपुरा की वो धरती है जिसने देश की एक सबसे बड़ी आबादी को सम्मान से जीने का, विश्वविद्यालय में पढ़ने का, नौकरी करने का अधिकार दिया। इसलिए आज का जो विषय है हिंदी भाषा, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना, मैं इसके परिप्रेक्ष्य में अपनी बात करना चाहूंगा। हालांकि हो सकता है कि कुछ बातें कुछ लोगों को अप्रिय लगे, लेकिन जब कोई नई चीज साहित्य में, समाज में, संस्कृति में शामिल होती है तो उसको पचाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हिंदी के बहुत बड़े आलोचक, जब दलित साहित्य की शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि साहित्य में रिजर्वेशन नहीं चलेगा। ये देश के बहुत बड़े आलोचक की मैं बात कर रहा हूं, और मैं उनका सम्मान करता हूं। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आलोचक हो तो हर एक चीज का मूल्यांकन वो ठीक ठाक करे। नामवर सिंह ने भी बाद में इस बात को माना कि मैंने अज्ञेय का गलत मूल्यांकन किया। इसलिए जब हिंदी साहित्य में दलित साहित्य की शुरुआत हुई, आदिवासी साहित्य की शुरुआत हुई, स्त्री विमर्श की शुरुआत हुई, और अब तो विकलांग विमर्श, LGBT विमर्श, खेल विमर्श, पर्यावरण विमर्श, बहुत तमाम तरह के विमर्श सामने आ रहे हैं, और उसके अंदर भी अलग अलग तरह के विमर्श है, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छा स्वागत इसका नहीं हुआ। भारत में स्त्रियों को लेकर हमारा जो पूरा साहित्य रचा गया है, हमारे यहां जो गालियां हैं वो किसको केंद्र में रखकर दी जाती है? क्या यह विमर्श का हिस्सा नहीं है? क्या यह साहित्य का हिस्सा नहीं है? कई बार हम भारत की बात करते हैं, हिंदी देश प्रेम की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब हम लोगों को भी बचपन से सिखाया गया है, लेकिन कई बार ये वो ऐसा आवरण है जिसमें देश की बहुसंख्यक जनता को उससे दूर करने के लिए इसको बार बार दोहराया जाता है। एक राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब साहित्य में सबको स्थान मिले। आज भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, और मैं बहुत खेद से कह रहा हूं ये रेणु की धरती है। कितनी बार रेणु का नाम लिया गया इस मंच से, इतने वक्त आए, रेणु को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, राजेंद्र यादव को नहीं दिया गया, और इस मंच से मैथिली की बात की जाती है। इस देश में, इस बिहार प्रदेश की एक बड़ी संख्या मैथिली को बोलती है। मैथिली का पुरस्कार खास तरह के लोगों को दिया जाता रहा है, और लोग यहां से आकर मैथिली की बात करते हैं। मैं नकारता हूं ऐसे राष्ट्रीय कल्पना को। हमारा राष्ट्र वो है जिसमें सबको अधिकार मिले, जिस साहित्य में सबको सम्मान मिलेगा, स्त्रियों को, LGBT को, विकलांगों को, OBC को, आदिवासियों को, और हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसकी गूंज पूरे दुनिया में जाएगी। ये विश्व गुरु, ये हमने जो विश्व गुरु कहा है, बहुत अच्छी बात, हम लोग भी चाहते हैं विश्व गुरु बने, कौन नहीं चाहता हम लीड करें, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए आपको हरेक लोगों को अधिकार देना होगा, चाहे वो खेल का हिस्सा हो जिसमें सब धर्म, सब जाति के लोग खेलते हैं, तब जाकर एक सम्मानजनक टीम बनती है और हम वर्ल्ड कप जीतते हैं। और यही स्थिति साहित्य में भी है। साहित्य में जो नया विमर्श शुरू हुआ है, यहां बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, और हम लोग क्लासरूम में कई बार पढ़ाते हैं, और कई बार तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम स्त्रियों के पक्ष में कुछ बात कहते हैं तो हमारी जो छात्राएं रिएक्ट करती हैं कि सर ऐसा नहीं है, यानी जो चीजें उनके पक्ष में है उनके साइकी में इस तरह से पुरुषवाद ने भर दिया है कि वो उसी को अपना लेती है, वो नहीं जानती है साजिश। तो कई बार हम लोग को बहुत असहजता होती है। ये जो सबको समान अधिकार देने की बात साहित्य में भी चल रही है, इसलिए देखिए हमारा साहित्य कितना बहुरंगा हो गया है। मैं तो चाहता हूं इस मंच पर एक स्त्री नहीं, आधी आधी स्त्री हो, तीन पुरुष वक्ता हो तो तीन स्त्री वक्ता हो। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय आप मंच देखिए, हालांकि भारत में एक नई परंपरा चली है कि
परंपरा के लिए ही सही स्त्रियों को मंच पर जगह मिलने लगी है। सर विदेश जाने की बात कर रहे थे, मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा, कितनी स्त्रियां जा रही हैं, कितनी स्त्रियों को अधिकार मिल रहा, मैं भी देख रहा था जो फिजी में हुआ, शोभा के लिए एक स्त्री, कितने दलित गए, कितने आदिवासी गए, कोर्स में किनको पढ़ाया जा रहा है। और मैं तो बिहार के सिलेबस का स्वागत करता हूं कि उसमें अस्मिता मूलक विमर्श नाम का एक विमर्श लगाया गया है, एमए का पाठ्यक्रम है CC8, और पटना यूनिवर्सिटी ने तो उसमें आदिवासी विमर्श को, LGBT विमर्श को भी शामिल किया, हो सकता है दूसरे विश्वविद्यालय में भी शामिल हो। हाँ, धीरे धीरे शामिल हो रहा है, और भी लेखिकाएं सामने आ रही है। सर ने नॉर्थ ईस्ट की बात की, मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को थोपा नहीं जाना चाहिए, प्यार से बड़ा, सहयोग से बड़ा कोई भी अस्त्र नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की एक कवित्री पिछले दिनों पटना यूनिवर्सिटी में आई थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोगों ने मन में एक धारणा बना ली है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो हमसे अलग होना चाहते हैं। आपने मैम गीत सुनाया शिव पार्वती से संबंधित, उसने राम सीता के शादी से संबंधित गीत गाकर सुनाया, वो नॉर्थ ईस्ट की लेखिका थी, हमने उनको समझा ही नहीं, हमने उनको सम्मान ही नहीं दिया, हम उन्हें अपना ही नहीं मानते। हमको सबको गले लगाना होगा, भारत एक जैसा राष्ट्र नहीं है, दक्षिण भारत का कल्चर खान पान अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, मिथिला का अलग है, बिहार में ही मगध का अलग है, भोजपुर का अलग है, अंगिका वाले मैथिली को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो दरअसल हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में हैं जहां प्यार और समझदारी से सबको साथ लेकर चलेंगे तो विश्व गुरु का भी सपना पूरा होगा, हिंदी को सब लोग स्वीकार भी करेंगे, हमें थोपना नहीं है। हमारे जो दूरदर्शी नेता थे, हम उनको बाद में उनकी भर्त्सना कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात को समझते थे कि अगर हमने भाषा थोपने की कोशिश की तो देश एक नहीं रह पाएंगे। और आप तो जानते हैं कि तमिलनाडु में तो पूरी भाषा की राजनीति है, और पूरा वो अलग तमिल कल्चर है, संस्कृत से पुरानी भाषा है। तो प्यार से उनको हक दे करके दिल्ली सबको समान भाव से देखे तो मुझे लगता है कि देश को जोड़ने में, साहित्य को जोड़ने में बहुत समय नहीं लगेगा। साहित्य पर हालांकि मैंने कम बातचीत की, भूमिका में ज्यादा समय ले लिया, और मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं पिछले सत्र में संचालक था, मैं ही ज्यादा समय लूंगा तो ये मेरी सोच के खिलाफ होगा, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस तरह का आयोजन यहां बार बार हो, और जिस तरह का विषय रखा, जिस तरह से तकनीक से जुड़ा, विश्व के लोग यहां जुड़े, मैं बहुत गौरवान्वित हूं क्योंकि मैं इसी इलाके से आता हूं, 10-15 साल से दिल्ली में था, और अभी मेरी नियुक्ति बिहार में हुई है, तो मैं बहुत आशावान हूं कि उषा सिन्हा मैम के नेतृत्व में विभाग अच्छा करेगा और हम लोगों को भी इसी तरह बोलने का और सहभागिता का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जैनेन्द्र जी, ये एक युवा का आक्रोश नहीं, रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।